जो हमारे मतलब लड़की के साथ विवाद हुआ था उसके लेके हम चौकी गए थे, छेड़खानी किए थे तो उसको लेके हम चौकी गए थे। चौकी से नहीं, जब हमारे कोई इंक्वायरी कोई सुनवाई नहीं बैठे हुए थे, उन्होंने जो कहा ये सब गलत मामला है, इसमें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा जमीनी विवाद लेके ये काम कर रही हो, हमने कहा जमीनी विवाद लेके कर रहे हैं तो वो तो हमारा मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट करेगी वो हो गया, तुम थोड़ी कर दोगे हमारा जमीनी फैसला। लेकिन हमारे साथ आज तक जमीनी विवाद था, अब हमारे इज्जत पर हमला हो रहा, हमारे बच्चों के साथ हो रहा, हमारे साथ हुआ, हमारे साथ ने हमको बुलाया, बोला अच्छा आइए घर पे, वहाँ समझौता करवा देंगे हम। जब उनके घर पे गए तो उन्होंने हमको गेट के अंदर खड़े हुआ था और जो तीन लौंडे चार बाहर खड़े हुए थे, और वो जो अंदर जैसे ही हम अंदर हुए तैसे गेट बंद करके उसने जो असलाह लगा दिया मेरे ने, और जो नीचे गिरा दिया, और जो दोनों बारी बारी मत कर दिया, और जो असलाह लगा रहे बोले कहीं आवाज निकालोगे तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। जहाँ माँ है कप्तान के यहाँ थाने गए थे तो थाने में कोई सुनवाई नहीं थी। कौन सा आवाज आपने मुलाकात की है, क्या बोला गया? यहाँ बोला गया है कि पहले बोले कि कैसे क्या हुआ, फिर थाने को फोन किए, बोले ऐसे को फोन करिए जानकारी करिए। फिर एक लोग आए और बोले कि जो है ये परिवार का इनकम मसला है, चाचा भतीजे का बात है, चाची का ऊपर आरोप। तो मैडम ने कहा आपको शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए, इतना बड़ा आरोप लगा तो हमने कहा कि शर्म हमारा परिवार का है जो हमारे साथ बड़ी घटना कर रहा है, और जो है दूसरे गांव के रहने वाले हैं, हम दूसरे गांव के रहने वाले हम कैसे परिवार के हैं, ये इतनी बात हुई मैडम।